पूरे देश में गणेश उत्सव का आयोजन हो रहा है। इंदौर में भी किसी तरह की कमी नहीं देखी जा रही। अलग अलग जगह पर गणेश स्थापना की गई है और अलग अलग थीम पर पांडाल का डेकोरेशन किया गया है। ऐसा ही एक डेकोरेशन हुआ है इंदौर के एमटी क्लॉथ मार्केट में, जहां पांडाल को पत्ते से बनी पत्तल और दोने से सजाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सामाजिक संदेश देना है। आज के आधुनिक समय में जहां लोग प्लास्टिक के डिस्पोजेबल प्लेट यूज कर रहे हैं, उन्हें यह बात समझाना है कि हमारे पुराने जमाने में इस्तेमाल होने वाली पत्तल इको फ्रेंडली भी है और पर्यावरण को और सेहत को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। हेलो, मैं नीलेश अग्रवाल सेनाई साड़ी से। हम लोगों ने यहाँ गणेश जी स्थापित करे हैं और रोज उसको अलग अलग तरीके से सजा रहे हैं। जैसे अभी हमने सजाया है पत्तल दोने से, जो एक इको फ्रेंडली मैसेज के तौर पे है कि जो लोग भूलते भी जा रहे हैं, लोग पुरानी अपनी की पत्तल दोने और उसमें भी कभी खाना खाया था उस चीज़ को भी एक याद करके रहें। और अब नई थीम हम वापस कुछ नए लेके आ रहे हैं और रोज़ अलग अलग तरीके से उसको सजाएंगे। पत्तल दोने वाली थीम में हमने पत्तल 5000 पत्तल यूज़ में ली है और इतने ही तकरीबन दोने भी यूज़ में लिए हैं और ये चीज़ें वेस्ट नहीं जाए, इसलिए हमने ये नज़दीकी एक भंडारा है उसी में इस सब पत्तल दोने को यूज़ करने का भी सोचा है और वहीं हम लोग इसको देंगे। और बाकायदा वो लोग भी यहाँ देख के जा चुके हैं कि हाँ, हम लोगों ने पत्तल और दोने का कोई मिसयूज़ नहीं करा है, वो सही तरीके से यूज़ करी है, तो वो वापस उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं।